हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, मैथ्स विद पवन राव यूट्यूब चैनल में संडे को आज आपके लिए आता हूँ। 10 या 12 मिनट का हमारा सेशन होता है, इसमें हम लोग छोटी छोटी और नॉर्मल बातें करते हैं। आज की क्लास में 10 या 12 मिनट में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि अगर मेरे इस 10 मिनट के लेसन से अगर देख रहे 3, 4, 5 हज़ार जो स्टूडेंट या 10 हज़ार स्टूडेंट्स देख जो वीडियो देख रहे हैं, उसमें अगर एक भी स्टूडेंट 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ पाया तो ये समझूंगा मैं कि आज का मेरा संडे का जो 10 मिनट था वो सक्सेसफुल रहा। देखिए, हम लोग नॉर्मल और छोटी छोटी बातें करते हैं और आज की क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कि आपका कैसे मन लगे 10 या 12 घंटे एक दिन में कैसे पढ़ना है। जैसे नॉर्मल आजकल एक फैशन चल रहा है, सिलेक्शन के बाद बोला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 3, 4, 5 घंटे पढ़िए, उससे ज़्यादा मत पढ़िए। उसके अलावा आपको ये सिलेक्शन के बाद आप लोगों को भी बोलना है, लेकिन सिलेक्शन से पहले 10 या 12 घंटे पढ़ना है वो कैसे पढ़ा जाए। आप लोग जिस भी रूम में रहते हैं, जहाँ पर भी आप लोग रहते हैं घर से दूर, लगभग तैयारी करने वाले 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो घर से दूर हैं। कहीं पर जो भी आपके नज़दीक सिटी है उसमें आप लोग जाकर पढ़ते हो, आप लोग किसी एक रूम में रह रहे हो, ना उसमें कूलर है, सिर्फ़ एक छोटा सा फ़ैन लगा हुआ है, नीचे आपने गद्दा डाल रखा है, वहीं आपका खाना बनता है, वहीं आप लोग चाय बनाते हो, उसको 3 बार, 4 बार, 5 बार पतीले को चाय बना लेते हो, उसके बाद धोते हो, और फिर आप लोगों को लगता है कि यार ज़िंदगी जो है ना, मतलब इसी बेड पर और यहीं चल रही है, यहीं खाना बना लेते हैं। रूम में गर्मी हो जाती है और एक रूम में ज़रूरी नहीं है एक दो दो तीन तीन चार चार स्टूडेंट्स रह रहे हैं और लगता है यार ये क्या ज़िंदगी है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये जो ज़िंदगी आप अब जो गुजार रहे हो ये बहुत आसान ज़िंदगी है, और ये जो ज़िंदगी आपके लिए बनाई है ना, इतनी आसान नहीं थी आप लोगों की ज़िंदगी। ये जो ज़िंदगी बनाई है वो आप लोगों के पेरेंट्स ने आपके लिए बनाई है, जिन्होंने अपने सपने मारे हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग, मतलब मैं मोटिवेट अगर करूँगा ना तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे 8 दिन, 10 दिन या 12 दिन। मैं आपको किसी के साथ इमोशनली टच करना चाहता हूँ या आप लोग इमोशनली टच रहो किसी के साथ, और ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको। और जो सबसे मेन जो आप लोग जिसके साथ टच हो सकते हो ना, और वो है आपकी माँ। हमेशा और हमेशा आप लोग जब भी पढ़ने बैठो अपनी माँ का चेहरा सामने रखो और उसके लिए आप लोग पढ़िए। आप ज़िंदगी में किसी भी व्यक्ति को, इसका तरीका क्या होगा, आप लोग किसी भी व्यक्ति को ज़िंदगी में अपना आदर्श बनाइए। आदर्श उस व्यक्ति को बनाना है जिसने रियल में आपके सामने मेहनत की है ज़िंदगी में। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग किसी को भी बना सकते हो, राष्ट्रपिता जो अपने महात्मा गांधी जी हैं उनको बना सकते हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को बना सकते हो, बहुत बड़े व्यक्ति थे, लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो आपके सामने रियल में मेहनत की है उनको भी आप लोग अपना आइडियल बना सकते हो। हो सकता है वो आपकी मम्मी हो सकता है वो आपके फादर हो सकता है वो आपके भाई हो सकता है वो आपके बहन हो, उनको आप लोग आइडियल बनाइए और उनके लिए आप लोग पढ़िए। मैं आप लोगों को ये भी साथ साथ बताना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी, जैसे आप जैसे सिलेक्शन के बाद की जो ज़िंदगी है ना उसको एक बार फील करके देखो। एक बार सिलेक्शन होने के बाद आप लोगों को जैसे ही रात को सोओगे, लेट तक तो नहीं सोओगे, सुबह उठकर जब भी उठोगे सोकर, तो सुबह उठते ही आपकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज है। उस फीलिंग के लिए आप लोग पढ़िए, उस जो आपकी माँ है उसके उस आखिरी आंसू के लिए आप उस आंसू के लिए पढ़िए जो आपके सिलेक्शन के बाद आएगा। आपको बहुत मजे आएंगे। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, सिलेक्शन के बाद आपकी लाइफ पूरी चेंज होगी होगी, आपकी लाइफ तो चेंज होगी होगी, आपके पूरे परिवार की लाइफ चेंज होगी। आपके पेरेंट्स का जो मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाली है वो बहुत अच्छी मिलेगी, आपके सिस्टर का रिश्ता अच्छे घर में होगा, आपके भाई का रिश्ता अच्छे घर में होगा, आप मतलब उन लोग वो लोग भी कभी भी परेशान नहीं होंगे सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन की वजह से। दूसरी बात, अगर साथ साथ आप लोग देश के GDP में तो योगदान दोगे ही दोगे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उस फीलिंग के लिए आप लोग पढ़िए। साथ साथ एक अपने DM सर हैं, उनका मैंने एक लेक्चर लिया था, जैसा वो बोलते हैं एक लाइन हमेशा याद रखना, ए दरिया तेरा रति भर भी एहसान नहीं है हम पर, ए दरिया तेरा रति भर भी एहसान नहीं है हम पर, जब भी पिया है पहाड़ों का सीना चीर कर पिया है। अपनी मेहनत पर आप लोग विश्वास कीजिए, 10, 10, 12, 12 घंटे पढ़िए, जिस 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़िए, और आप लोग जिस एज में हो ना, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 साल की एज में हो, इसमें तो इतना दिमाग फास्ट चलता है यार, जो चाहो आप लोग अगर दिमाग में मानकर बैठ के सेट कर लिया कि ये चीज़ मुझे नहीं आती तो वो नहीं आएगी। और एक बार ये मानकर तो देखो, मेरे कहने से आप लोग 2 दिन मानकर देख लो कि ये सब्जेक्ट मुझे आता
आता है और मुझे आएगा, मुझे नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा। आप लोगों का वो सब्जेक्ट एकदम ईजी हो जाएगा। हार्ड जो जितनी भी चीज़ें हैं, जो टफ़ चीज़ें हैं, उनको आप लोग आसान बनाइए मेहनत करके। इस धरती पर मुझे पढ़ाते हुए पिछले 7 या 8 साल हो गए हैं, इस धरती पर मैंने ऐसा कोई भी बंदा नहीं देखा जो आउटस्टैंडिंग हो या बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या गॉड गिफ्टेड हो। ये तीनों चीज़ें ही, गॉड गिफ्टेड हो या बहुत ज़्यादा जिसकी किस्मत अच्छी हो या मतलब उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा हो, ध्यान रखना ये तीनों चीज़ें ही नहीं टिकती हैं लगातार मेहनत के सामने। लगातार मेहनत करोगे हमेशा आप लोग सफल होगे, कड़ी मेहनत के आगे कोई भी नहीं टिक सकता, ये आप लोग ध्यान रखना। अगर आने वाले 6 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद अगर आप अपने जैसे आपके बच्चे हों उनको अगर किसी महापुरुष का उदाहरण देकर अगर आप लोगों को मोटिवेट करना पड़े, उस दिन समझना कि आपकी ज़िंदगी सफल नहीं है। आपकी ज़िंदगी सफल तभी होगी तब आपके जो बच्चे हैं वो आपको देखकर मेहनत करें। जैसे कई बार मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर सुबह आप लोग क्लासेज लेते हो और शाम को फिर आप लोग इसमें वीडियो में बनाते हो और क्लासेस भी चलती हैं, इतने मेहनत या इतना कैसे, इतनी एनर्जी कैसे आ पाती है, संडे को भी आ जाते हो। एक चीज़ मैं बता दूं, मेरी जो एनर्जी आती है वो सिर्फ़ और सिर्फ आती है मेरे बाबा से, मेरे फादर से, जिनको मैं बाबा बोलता था। मतलब मैं आज जो कुछ भी हूँ आपके सामने, मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ भी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स की वजह से हूँ। ध्यान रखना मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत की और मुझे पता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की। 1968 में उनकी शादी हुई। शादी से पहले वो जैसे पहले कुआं खोदते थे, मेरे फादर कुआं खोदने का काम करते थे। शादी के बाद लगा कि थोड़ी तो लाइफ सेट होनी चाहिए, तो उसके बाद हमारे नज़दीक कोपर खेतड़ी की जो माइन है, कोपर की माइन है हमारे नज़दीक खेतड़ी नगर में, उसमें काम करने लगे। हमारे गाँव से लगभग वो 20 किलोमीटर दूर है। सुबह 4 बजे उठकर 20 किलोमीटर पैदल जाना, पूरे दिन पत्थर तोड़ना और शाम को पैदल आना, ये काम उन्होंने एक दिन नहीं किया, ये काम लगातार उन्होंने किया 20 साल तक। और उसके बाद जाकर हमारे गांव में बस आई थी और फिर बस से जाना शुरू हुआ और धीरे धीरे मशीनरीज भी आनी शुरू हो गई थी माइंस में। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स ने ही मेरे लिए मेहनत की है। आपके पेरेंट्स ने भी आपको ऊपर उठाने के लिए खुद के सपने मारे हैं, खुद को बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ी हैं सिर्फ और सिर्फ आपके फ्यूचर के लिए। कुछ लोग नहीं, 90% लोगों की, मैं ये पहले से बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद उसी क्षेत्र से आया हूँ, उसी चीज़ों से आया हूँ, मैं बता रहा हूँ कि 90% लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो कोई ना कोई अनाज बेचकर उसको पैसे देते हैं कि जा बेटा या जा बेटी तो सिलेक्शन लेकर वापस आना ताकि हमारी ज़िंदगी थोड़ी बहुत अच्छी गुजरे। तो ध्यान रखना आप लोग हमेशा और अपना हमेशा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। आप अपनी माँ के लिए पढ़िए और उनका हमेशा एक वादा करो यार कि ज़िंदगी में ना कभी भी मैं मेरे पेरेंट्स को मैं परेशान नहीं होने दूंगा। उनको जो भी परेशानी आएगी वो परेशानी, मैं 22 या 23 साल का हूँ, वो परेशानी मैं सबसे पहले मेरे पास आएगी, उनके बाद उनके पास जाएगी। तो अपने वादा करो एक सभी लोग अपने आप से कि आप लोग अपनी माँ का हमेशा ख्याल रखोगे, उनका हमेशा ख्याल रखोगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं। कल शाम को हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, तो कल से क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिए, वापस से रिवाइज कर लीजिए, तो कल से क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। और वीडियोस हम लोग क्वेश्चंस की अब शुरुआत कर रहे हैं, तो इनको आप लोग शेयर करते रहिए अपने क्वेश्चंस जो हैं। मैं नीचे जो लिंक है अपना, जो भी लिंक हो नीचे है ना, ये अपने टेलीग्राम का लिंक, उसमें आप लोग देख सकते हो टेलीग्राम का लिंक, उसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे सुबह सुबह, मॉर्निंग में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पूरे दिन उनको सोल्व करो और शाम को यहाँ पर आप लोग सॉल्यूशन देख लिया करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, कल शाम को मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ।